सभी छोटे दोस्त नदी के पास बैठे हुए थे। जोगू कौवा अपने दोस्तों से कहता है, जंगल में एक ऐसी जगह है जहाँ बेरी के फल लगे हुए हैं। उस जगह का सिर्फ मुझे ही पता है। जोगू जोगू हमें भी बताओ, हम भी खाएंगे बेरी के फल। जोगू तुम दोस्त हो हमारे, हमें भी ले जाओ। आज तो मैं तुम्हें बहुत मीठे मीठे बेरी के फल खिलाऊंगा। ऐसा सोचते हुए शरारती जग्गू अपने दोस्तों से कहता है, तो फिर सब तैयार हो जाओ। रुको मैं घर बताऊं, फिर जाते हैं। छोटे तोते इतना टाइम नहीं है, अगर नहीं जाना तो तुम ना जाओ, हम तो जा रहे हैं। फिर छोटा मिठू भी बिना घर बताए ही उनके साथ चला जाता है। जग्गू उन सबको एक अनजान रास्ते पर उड़ाता हुआ दूर ले जाता है। जंगल की उस दिशा में वो कभी नहीं आए थे, मगर जग्गू कौवा तो आवारा था। वो तो जंगल की हर जगह को जानता था। जग्गू उन सबको एक वीराने में ले जाता है। जग्गू यहाँ तो कोई बेरी का फल नहीं है, शायद उधर होगा, मैं अभी देख कर आता हूँ। जग्गू वहाँ से उड़ता है और अपने दोस्तों को वीराने में छोड़कर वापस चला जाता है। बहुत मजा आएगा जब ये सब यहाँ बैठ कर रोएंगे। ऐसे सोचते हुए जग्गू कौवा वापस चला जाता है। यार कुकू इतनी देर हो गई, जग्गू अभी तक नहीं आया। फिर वो सब जग्गू को आवाज देते हैं, जग्गू जग्गू कहाँ हो, हम यहाँ हैं, यहाँ आ जाओ। मगर कोई जवाब नहीं आता। मुझे लग रहा है उसने जरूर हमारे साथ कोई खतरनाक शरारत की होगी। हमें तो वापसी के रास्ते का भी नहीं मालूम, अब हम सब घर कैसे जाएंगे, मुझे तो डर लग रहा है। वो सब वहाँ बैठे हुए थे कि बारिश शुरू हो जाती है और उनके पास बारिश से बचने के लिए कोई जगह ना थी। अब हमें एक साथ रहना होगा, फिर ही हम इस मुश्किल से निकल सकते हैं। यहाँ खतरनाक जीव भी रहते हैं, मुझे डर लग रहा है कोई हमें मार कर खा जाएगा। हम सब ने बड़ी गलती की जो जग्गू के साथ आए। ठंडे ठंडे बारिश के मौसम में नरम नरम मांस, किसी तरह इन सबको अपने जाल में फंसाना होगा मुझे। ये सोचकर माही चील उन बच्चों के पास जाती है। यहाँ बारिश में क्यों भीग रहे हो, आओ मेरे घर आओ, मेरे मेहमान बनो, मेरा घर देखो, बड़ा टीवी है मेरे घर में, कार्टून दिखाऊंगी तुम सबको। छोटे मिठू ये चील हमें घर ले जाकर खा जाएगी, इसकी बातों में ना आना। आंटी आंटी चील हम थोड़ी देर बाद आते हैं, हमारे मामा और पापा वो सामने बड़े पेड़ के पास बैठे हुए हैं, हम उन्हें बताकर आते हैं। तुम बारिश में भीग जाओगे, मैं बताती हूँ, तुम यहाँ ही बैठो। फिर वो चील थोड़ी दूर जाती है। अब मैं जाकर छोटे बच्चों से झूठ बोलती हूँ कि मैंने उनके मम्मा पापा को बता दिया है और उन्हें अपने साथ ले जाती हूँ। सब भागो यहाँ से, भागो, हमें किसी भी तरह यहाँ से दूर जाना होगा। वो सब वहाँ से उड़ते हैं और दूर निकल जाते हैं। अरे अरे वो कहाँ गए, वो बच्चे तो बहुत चालाक निकले, मुझे अच्छी भली चील को उल्लू बना दिया। भूखी चील वहाँ बैठकर उनकी राह देखने लगती है। तीनों दोस्त भागते भागते घने जंगल में पहुँच जाते हैं और एक बड़े पेड़ के नीचे छुपकर बैठ जाते हैं। हमारे मम्मा पापा परेशान होंगे, हम सब ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की। इस पेड़ के ऊपर खोखर है और मेरी मम्मा बताया करती है कि ऐसे पेड़ के खोखर में सांप भी हो सकता है, हमें यहाँ सावधान रहना होगा। ये सब पक्षी मेरी तरफ ही देखे जा रहे हैं, थोड़ा दूसरी तरफ ध्यान करें तो मैं इन्हें पकड़ लूं। आहिस्ता आहिस्ता उस खोखर से सांप निकलकर बच्चों की तरफ बढ़ता है। सांप सांप भागो भागो, वो सब वहाँ से भाग जाते हैं और भूखा सांप हाथ मलता हुआ रह जाता है। वो रहा बड़ा पेड़, वो पेड़ हमारे घरों के पास है, हम पहुँच गए, हम सब अपने घरों के पास पहुँच गए। फिर वो सब दोस्त सुरक्षित वापस पहुँच जाते हैं। जग्गू अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। मैंने तुम सबको पागल बना दिया।
हम सब ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए हम वापस पहुंच गए। मगर तुमने अपना विश्वास खो दिया। अब कोई भी तुमसे दोस्ती नहीं करेगा। तुम जैसा दोस्त किसी को ना हो। वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। जग्गू अपनी की हुई शरारत पर पछता रहा था, क्योंकि उसने अपने दोस्त खो दिए थे। चिड़िया के लाल अनार। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वो बहुत मेहनती चिड़िया थी। चिड़िया ने अपने घर के आंगन में एक लाल अनार का छोटा सा पौधा लगाया हुआ था। चिड़िया अपने अनार के छोटे पौधे की बहुत अच्छे से रक्षा कर रही थी। गुड़िया बेटी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, और आप अपने अनार के पौधे को पानी दे दें। मम्मा, अभी कल ही तो पानी दिया था अनार के पौधे को। गुड़िया बेटी, जैसे हम पक्षियों को प्यास लगती है, ऐसे ही इन पौधों को भी। गर्मी का मौसम है, इन दिनों अनार के इस पौधे को हर रोज पानी देना होगा। फिर गुड़िया अपना मटका उठाकर नदी से पानी लेने और मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। गुड़िया नदी से अपने मटके में पानी भरकर उड़ने ही वाली थी कि वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है। गुड़िया, तुम्हारे अनार के पौधे को फल कब लगेगा? मम्मा कहती हैं कि अब कुछ ही दिनों में मेरे अनार के पौधे पर फल लग जाएंगे और मैं मीठे मीठे अनार खाऊंगी। गुड़िया, तुम अपना अनार का पौधा मुझे दे दो, तुम नया लगा लेना। वो पौधा छोटा सा था, जब से मैं उसकी सेवा कर रही हूँ, अब तो वो बड़ा हो गया है। अब मैं अपना अनार का पौधा किसी को नहीं दूंगी। गुड़िया पानी लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मम्मा, पापा, वो अनार का पौधा मुझे चाहिए, मैं खाऊंगा उस पौधे से मीठे मीठे अनार तोड़कर। कालू, अपने बेटे की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं होती तुमसे, देखो कल से रो रहा है। अगर ऐसे मैंने चिड़िया के आंगन से अनार का पौधा उखाड़ा तो उसे पता चल जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, वहाँ एक नीम का पौधा लगा देता हूँ और अनार का पौधा उखाड़ कर ले आता हूँ और उसे अपने आंगन में लगा लेते हैं। देखा देखा जग्गू, मैं ना कहती थी तुम्हारे पापा कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे। फिर रात हो जाती है और कालू कौवा बेलचा लेकर जाता है और अनार का पौधा चिड़िया के आंगन से उखाड़ लेता है। कौवा उस अनार के पौधे की जगह एक नीम का पौधा लगा देता है और अनार का पौधा लेकर वहाँ से भाग जाता है। सुबह उठकर जग्गू अपने आंगन में अनार का पौधा देखकर बहुत खुश होता है। पापा पापा, अब इस पौधे पर अनार कब लगेंगे? ये जो छोटे छोटे फूल हैं, इन फूलों से ही अनार का फल बनेगा। पापा पापा, गुड़िया अब नीम के पौधे को पानी देगी, वो खाएगी कड़वी नीम और मैं खाऊंगा मीठे मीठे अनार। मम्मा, कल नदी पर जग्गू मुझसे मेरा अनार का पौधा मांग रहा था, मैंने उसे मना कर दिया। जैसा बाप वैसा बेटा, हमेशा दूसरों की चीजों पर नजर रखते हैं वो कौवे। दिन गुजरते गए और एक दिन जब गुड़िया अपने अनार के पौधे के पास जाती है तो उस पर नीम का हरे रंग का छोटा सा फल लगा हुआ था। अनार तो ऐसे नहीं होते, मैं अभी मम्मा को बुलाती हूँ। मम्मा, मम्मा यहाँ आए। मम्मा, ये अनार का फल कैसा है? मुझे तो ये कोई और ही फल लग रहा है। गुड़िया बेटी, ये तो नीम का पौधा है, मगर मैंने तो आपको अनार का पौधा ला कर दिया था। ये सुनकर गुड़िया वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। मैंने सख्त गर्मी में इस पौधे को पानी दिया और जब फल खाने का समय आया तो निकला नीम का पौधा। मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है और गुड़िया तो धूप में बैठकर ही रोए जा रही थी। गुड़िया को रोता हुआ देखकर वहाँ फलों की फेरी आ जाती है। गुड़िया चुप कर जाओ, मैं जानती हूँ आपके अनार के पेड़ को नीम के पेड़ में किसने बदला है। वो दुष्ट कौवे हैं, उन्होंने आपका अनार का पेड़ अपने आंगन में लगा लिया और यहाँ लगा दिया नीम का पेड़। वो जग्गू कौवा हमेशा मुझे तंग करता है। मगर तुम चिंता ना करो, जिसने मेहनत की पौधे को पानी दिया वही खाएगा अनार का फल भी। फिर फलों की फेरी अपने जादू से नीम के पेड़ पर अनार लगा देती है और कौवों के अनार के पेड़ पर नीम के फल लगा देती है। गुड़िया अपने पौधे पर लाल लाल अनार देखकर बहुत खुश हो जाती है। मम्मा पापा, ये अनार कैसे हैं? शायद इस पौधे पर इसी रंग के छोटे अनार लगते होंगे। कालू, एक खाकर देखो तो इनका स्वाद कैसा है।
फिर कालू कौवा एक नीम का फल तोड़कर अपने मुंह में डालता है। छी छी, कड़वा है, ये तो बहुत कड़वा है, ये तो नीम का फल है। ये सुनकर जग्गू निराश हो जाता है और वह पेड़ बोलने लगता है, जैसी मेहनत वैसा फल, जिसने मेहनत की उसे मिला मीठा फल और आलसी कौवों को मिला नीम का फल। ये सुनकर कौवा कवि और उनका बेटा चिड़िया के आंगन में जाकर देखते हैं। उनके पेड़ पर लाल लाल बड़े बड़े अनार लगे हुए थे। चिड़िया और उसकी बेटी पेड़ के पास बैठी मीठे मीठे अनार खा रही थी। कालू, पेड़ की बात सच ही है, मेहनत का फल ही हमेशा मीठा होता है।